नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत बेहतरीन सेशन। लगातार सीरीज़ आपके लिए आई जा रही है, कभी SICI की, कभी प्रॉफिट लॉस की, कभी रेशियो की। इसी तरीके से आगे पूरा सभी टॉपिक में सारी वीडियोस आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि भाई किस तरीके से आपको लगातार काम करना है कैलकुलेशंस पर। पेपर के अंदर क्वेश्चन तो आते हैं हमें सभी को, पर घर पे आके देखते हैं तब बहुत आराम से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि घर पे होता है समय और पेपर में इतना समय होता नहीं है। तो लगातार हम इसी मुहिम पे काम कर रहे हैं कि भाई आपको किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन को टैकल करना है। आज की क्लास में हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, यानी प्रतिशत परसेंटेज के वो क्वेश्चन जो CPO SI 2019 में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके सामने ये लिखा है परसेंटेज पार्ट वन। साथ के साथ ये और कहूँगा कि भाई गूगल प्ले से आप ऐप हमारी डाउनलोड करिए, MG कॉन्सेप्ट। तो फ्री स्टडी मटेरियल और PDF जितनी भी हैं सारी वहाँ अपलोड होती हैं, साथ के साथ अदर फ्री सेशंस भी आपको मिलते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ए बी से 40% कम है और सी ए और बी से, चलिए ए और बी का ही लिख लेते हैं पहले। ए बी से 40% कम है, अगर ये 100 है तो ये 60 हो गया, ठीक है। और जो सी है वो ए और बी के योग से 40% है, 160 का 40%, 16 चौक 64, तो 64 हो गया, ठीक है। तो 40% आ गया, तो आपको बताना है ए और बी का जो अंतर है वो सी का कितना प्रतिशत है। ए और बी का जो अंतर है वो सी का कितने प्रतिशत है, 40/64 आपको बताना है। 40/64 तो देख के पता लग रहा है आपको, 5/8, ठीक है। 8 से काटेंगे, 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 64, 1/8 होता है 12.5, 5/8 हो गया 62.5, जो हम लगातार याद करते हैं, ठीक है। परसेंटेज की वीडियो कैलकुलेशन बेस वो जरूर देखनी है आपको, ठीक है। वही सारा काम हम इस पे आज करने वाले हैं। तो आपने देखा 5/8 यानी 62.5, 62.5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहते तो इस पे DS भी लगा सकते थे अगर याद नहीं है तो। 8 अगर नीचे है तो ऊपर 8 आ जाता है, 5 × 8 = 40 हो जाता है, जिसके अंकों का योग 4 होगा। ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन ये कहता है कि भाई एक 140 प्रश्न वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया, 80 में से 70% का सही उत्तर दिया, तो 140 में से 80 में 70% हो गया, यानी 56 का सही उत्तर दिया, ठीक है। और परीक्षा में 60% अंक लाता है, देखिए सीधा सीधा कर रहा हूँ मैं, कुछ लिख नहीं रहा बीच वाला पार्ट। 140 का 60% हो गया 14×84, 84, तो बचे हुए कितने होंगे, बचे हुए कितने आ जाएंगे, 84 में से अगर 56 घटाते हैं तो 28 आ जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई बचे हुए क्वेश्चन कितने थे, 140 में से 80 हो गए बचे 60, ठीक है। 60 में से 28 आपको निकालना है, अगर 60 में से 30 होता तो 50% होता, ठीक है। 60 में से 30 होता तो 50% होता, पर 50% से हल्का सा कम आपको देखना है, ठीक है। हल्का सा कितना कम, 2 कम है, 2 कितना हो गया, 2/60 अगर आप निकालते हैं 3.33, तो यानी 50 में से 3.33, 46 2/3, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को याद नहीं करके रहा हूँ, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ केवल माइंड में। और वो आपको कैसे करनी है, आपको भी बताया गया कि भाई परसेंटेज की जब मैंने क्लास ली थी कि भाई ये छोटी सी चीज़ मैं आपको बता तो रहा हूँ, पर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल लगातार रहता है। जैसे SICI में आपने देखा, प्रॉफिट लॉस में देखा, ऐसी परसेंटेज में हम देख रहे हैं। अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि भाई अगर आपको 60 में से 28 निकालना है, बहुत ध्यान से सोचें, 24 तक तो 40% हो गया,
24 के अलावा क्या बचा? 4, 4/60 1/15 होता है, 1/15 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं आप? 6.66 बोलते हैं, तो 46.66 हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन इसी तरीके से करनी है, ऐसा नहीं है कि लगातार आप काटे जा रहे हैं और सॉल्व किए जा रहे हैं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखते हैं ए बी से 48% अधिक है, सेम वैसे ही है, ए जो है बी से 48% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये 148 हो गया ए और ये बी, सी जो है ए और बी के योग से 60% कम है। अब देखिए बच्चे ना क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले 60% कम करेंगे, ठीक है, और फिर वैल्यू निकालेंगे कि 60% कितना आएगा, फिर उसे घटाएंगे, फिर 60% कम का मतलब क्या है? 40% है, 40% अगर आप निकालते हैं इसका तो 40 आ गया, क्योंकि दोनों का निकालना है। इसका अगर मैं 40% निकालता हूँ, 14 चौक होता है 56, 56 और 40 हो गया 96, और 8 का 40% निकालते हैं 3.2, यानी 99.2 आ गया। आपने देखा यहाँ से यहाँ के सफर में मैंने कुछ भी नहीं लिखा इसका, मैंने आपको बोला इन दोनों का 40% निकालना है, ये 40 हो गया, ये निकालते हैं 14 चौक 56, यानी 140 का तो 40% 56 हो जाएगा, 8 का 40% 3.2, 40 और 56 96 और 3.2 99.2। अब आपसे क्या पूछा है, ए कितने प्रतिशत ज़्यादा है सी से, ठीक है, ये आपको निकालना है कि ए सी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। अब एक काम हम करते हैं यहाँ पर, एक काम जो हम करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर आप देखते हैं तो ये हो गया कितना ज़्यादा हो गया, ये इससे ज़्यादा हो गया 0.8, ठीक है, 48, यानी 48.8 इससे ज़्यादा हो गया, 99.2, 48.8, ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन बन गया आपका कैलकुलेटिव बन गया, कैलकुलेटिव इसलिए भी बन गया कि यहाँ पर ना आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा, अगर आप काटते भी हैं मान लेते हैं आप 4 से ही काटते हैं, अगर मैं 4 से काटता हूँ 24 चौक 96 बचा 3, 4 से काटता हूँ 1.24, ठीक है, 24 चौक 96 बचा ये, 4 से काटता हूँ 1.24 आ गया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए 48.8 है और 99.2 है, ठीक है, अगर मैं 4 से काटता हूँ तो मैंने काटा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी काटा, ठीक है, उसके बाद अगर आप परसेंटेज देखते हैं ये 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, इरेज कर देता हूँ, ये 2 आ गया, 12.2, ठीक है, अगर ये 12.4 होता तो आ जाता 50%, ठीक है, 12.4 होता तो 50% आ जाता, 50% से तो कम है, दो ऑप्शन कट गए आपके, ठीक है। अगर अभी भी और काटते हैं आप, मान लेते हैं इसे आपने लिखा 12.4, इसे आपने लिखा 6.1, ठीक है, अगर 6.2 होता तो 50% होता, उससे कितना कम है? 0.1 कम है, 0.1, ठीक है, तो आप देखेंगे आंसर कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 49.2 के करीब आ जाएगा, लगभग 1% कम है, लगभग 1%, ठीक है, तो लगभग 1% कम है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये आंसर कब होता? जब ये देखिए 6.1 है, ठीक है, 6.18, 6.17, 6.19, इस तरीके से होता, क्योंकि तब वो 6.2 के करीब चला जाता, इसलिए आप कहते हैं कि भाई 50% के करीब आ गया, ये वाला ऑप्शन आंसर हो गया, पर ये नहीं है, ये ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे अच्छे मिलते हैं, पर मेन डिपेंड ये करता है कि क्या आपकी अप्रोच अच्छी है नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं बहुत ध्यान से, पुरुष और महिलाओं की संख्या कुल 70,000 है, पुरुषों की संख्या 6% बढ़ती है और महिलाओं की 4% बढ़ती है, तो
पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या इतनी हो जाती है 3520 रुपये, ठीक है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या आरंभिक में क्या अंतर था? अब ध्यान से बात समझिएगा, 6% महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या बढ़ती है, 4% महिलाओं की, तो 4% तो दोनों में ही बढ़ रहा है। अगर नेट इंक्रीमेंट में देखता हूं तो कितना हो गया ये 3520 हो गया, चार परसेंट टोटल पॉपुलेशन का बढ़ रहा है, 4% कितना हो गया इसका 2800 हो गया, ठीक है। क्योंकि 4% फीमेल और 6% मेल, इसको आप लिख सकते हैं 4% मेल प्लस 2% मेल, तो आप एक बात बोलेंगे कि भाई 4% तो टोटल में बढ़ रहा है और मेल में 2% बढ़ रहा है, अगर तो 2% मेल की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब आप देखते हैं 2800 और 3520 आ गया 720, ठीक है, 720 आ गया, 2% पुरुष की संख्या 720 हो गई, तो 100% अगर पुरुष निकालते हैं यानी मेल, 50 गुना 50 गुना यानी 36,000 हो गया, और 36,000 अगर मेल है तो फीमेल की संख्या हो गई 34,000। 34,000 कैसे हो गई? क्योंकि टोटल आपको दे रखा था 70,000, अंतर कितना आ गया 2,000 का, तो 2,000 आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने लिख के तो जरूर बताया आपको, पर मैं अगर इस क्वेश्चन को करता ना तो बिना पेन के ही करता, मैं ये देखता कि भाई 4% कितना हो गया 2800 हो गया, 720 बचा, 2% की वैल्यू 720 है, 100% कितना हो गया 36,000 हो गया, 36,000 अगर पुरुष की संख्या है, महिलाओं की संख्या 34,000 हो गई, अंतर आ गया 2 का, सीधा आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। अब देखिए क्वेश्चन पे हम ध्यान से देखें, 60% जो विद्यार्थी हैं वो लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, यदि 20% लड़के फेल हो जाते हैं और 65% लड़कियां पास हो जाती हैं, आखिर में जो संख्या निकालनी है ना वो पास की निकालनी है, तो हम काम करेंगे केवल पास पे जो उत्तीर्ण हुए हैं। अगर आप संख्या देखें, 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां हो गई, यानी 3:2 आ गया बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, ठीक है। अब आप यहां पर बोल रहा है कि 80% लड़के पास हो जाते हैं क्योंकि 20% फेल होते हैं, 65% लड़कियां पास हो जाती हैं, आपको निकालना है कुल कितने प्रतिशत बच्चे पास हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट वही कि भाई इसका योग इसके अंतर के बराबर, 5 की वैल्यू 15, ठीक है, 5 की वैल्यू 15 हो गई, 3 गुना, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 6 कब आएगी, इसमें से 6 घटाने पर, तो ये कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा, 74 यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में नया नहीं था, सीपीओ 2019 के क्वेश्चन हम लगातार देख रहे हैं, कुछ एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूर है पर सब में नहीं है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चे यहां पर गड़बड़ भी कर सकते हैं, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, अगर मैं इसे काट देता हूं तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, x प्लस वाई और x माइनस वाई का अनुपात 4:3 आ गया। अब यहीं पर ही मैं CND लगा दूंगा, ऐसा कोई अलग से स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, 7 और 1 आ जाएगा x/y, ये आ गया आपका 7:1। तो पहली चीज आपको जो लिखनी है वो ये लिखनी है यहाँ से देखने के बाद, ठीक है। अब वो एक बात बोलता है कि y जो है k% है x का, ठीक है। अब y कितना है, 1/7 है x का, देखिए y जो हो गया आपका y/x, वो बोलता है y/x, देखिए आपका क्या आ रहा है, y/x आ रहा है आपका 1/7, ठीक है, तो ये हो गया आपका 100/7, ठीक है, इतने प्रतिशत हो गया,
के की वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है। तो अगर मैं 21% निकालता हूँ के का, 1/7 तो फ्रैक्शन में आया, परसेंटेज में कितना आया 100/7, तो के की वैल्यू इतनी आ गई 100/7, 21% आपको निकालना है के का, तो सीधी सी बात है आंसर आ जाएगा 3। लिखने वाली बात ही नहीं है, 21% का मतलब क्या, 100 से 100 कटा, 7 21, सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा समय ना हमें बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर सिंपल लेवल का क्वेश्चन है तो सिंपल लेवल पे ही जाएंगे। एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना काम करवाया गया बच्चे से, यानी बच्चा अगर सुस्त है कि भाई वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाए जैसा वो पढ़ कर आया, तो उसे दिक्कत रहेगी। यानी यहाँ उसने क्या करा, काम करवाया हर चीज पे। 66 2/3, ठीक है, 66 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है, 75% क्या होता है, 3/4 होता है, 1/8 हो गया, ठीक है। किसी भी संख्या का इतना, इतने का मतलब कितना हो गया, 1/16 हो गया। 1/16 की वैल्यू आपको दे रखी है 179, और आपसे पूछा क्या गया है, 33.3 और 1/4 ऑफ डेट नंबर, 33.3 यानी 1/3, ठीक है, और 3/4 यानी 3/4, 3 से 3 गया, ये आ गया। अब आप देखते हैं ये अगर 1/16 ही 1/4 है, इसका 4 गुना, या तो आप इसका 4 गुना करें डायरेक्ट, और अगर मैं इसका 4 गुना करता हूँ तो लास्ट में 6 आएगा और इंटीजर आएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन आपके कट जाएंगे, ठीक है। या फिर आप डीएस भी लगा सकते हैं, इसके अंदर डीएस लगाएंगे, 8 चौक 32 यानी 5, जिसके अंकों का योग 5 आएगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं 9 कट गया, 5 13 2 15 ये कट गया, 15 6 21 28 ये कट गया, 5 3 8 7 15 ये भी कट गया, ठीक है। तो डीएस 5 हो या फिर सीधा 4 गुना हो, और 4 गुना अगर देखते हैं तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आखिरी संख्या देखिए और ये देखिए इंटीजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छे इसलिए लग रहा है क्योंकि ना अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, लगातार ऐसे बच्चों को तो बिल्कुल ही छाट दे रहा है जो प्रीवियस ईयर पे ही डिपेंड बैठे हैं, जिन्हें लग रहा है कि भाई प्रीवियस ईयर के पढ़ के मेरा काम चल जाएगा, तो उन बच्चों को छाट रहा है इस टाइप के क्वेश्चन देके, क्योंकि यहाँ माइंड का इम्प्लीमेंटेशन है कि दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, ए जो है लास्ट से स्टार्ट करेंगे, डी जो है और सी है, ये अगर 100 है तो ये 160 हो गया, ठीक है, और बी जो हो गया वो सी से 60% कम है। अब जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, मैंने बोला कि मेरी इनकम आपसे 60% कम है, तो मेरी इनकम आपसे 40% है, सीधी सी बात, तो 40% अगर मैं इसका निकालता हूँ तो कितना आ गया, 64 आ गया, 16 चौक 64। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर मैं ए पूरा कैलकुलेट ना भी करूँ तो मुझे ये दिख रहा है ऑप्शन, अगर मैं साथ साथ देखूँ तो जो बी है वो डी से 36 कम है, तो ये पार्ट लिखे बिना भी मैं काम कर सकता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से लगातार हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बीच बीच में ऑप्शन पे भी नज़र रखिए, क्या पता ऑप्शन से आंसर आपका बहुत जल्दी आ जाए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ केवल 36% कम है बी, तो बी डी से 36% कम हो गया, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब मेन बात यह कि क्वेश्चन तो अच्छा है पर आपका सॉल्यूशन कितना अच्छा है, क्या आप तैयार हैं उन चीजों के लिए। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। पहली बात तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको इतना बड़ा, देखिए एक लाइन क्वेश्चन अगर आप देखें तो आप देखते हैं, देखिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, ठीक है, पांच लाइनों में क्वेश्चन जा रहा है। अगर पेपर में फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन मिलता है तो सीधा लीव करना है देखिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में भी थोड़ा वक्त लगेगा।
हाँ एक बात जरूर है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई 2000 एम्प्लॉई हैं शुरुआत में, पहले पंद्रह प्रतिशत कम होते हैं, फिर दूसरे साल में 10% कम होते हैं, और फिर तीसरे वर्ष में 10% बढ़ जाते हैं। और ये आपको बताना है कि अब कितने होंगे, ठीक है? ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, जो बच्चे ना कैलकुलेशन पे काम नहीं कर रहे, यानी जिसने डीएस नहीं पढ़ रखा, एमजी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा और कैलकुलेशन सोच रहे हैं कि काट के करेंगे, वो एक बार करके देखिएगा और देखिएगा कितना समय आपको लगता है इसका कैलकुलेशन बनाने में और इसका आंसर निकालने में, ठीक है? और फिर आप इससे ट्राई करिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अब आपने क्या देखा, अब देखिए कोई ऐसा पहली बार नहीं है, जब मैंने एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, एमजी कॉन्सेप्ट की वीडियो सभी देखेगा, मैंने आपको बताया था इतना तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको यहाँ 10% कम नजर आ गया तो सीधी सी बात है आंसर 9 का मल्टीपल होगा, 10% अगर बढ़ता हुआ नजर आ गया तो सीधी सी बात है आंसर 11 का मल्टीपल होगा। तो मैं यहाँ से देख के बोल दूंगा कि आंसर 9 का मल्टीपल होगा, जो ऑप्शन 9 से भाग होगा वही आंसर हो जाएगा। 9 से भाग होने वाला ऑप्शन देखता हूँ, 8 और 1 9 ये तो नहीं है, 8 और 1 9 ये है, 8 और 1 9 ये नहीं है, 8 और 1 9 ये भी नहीं है। तो यहाँ देखा 10% की कमी और यहाँ देखा 9 का मल्टीपल, ये आंसर हो गया। अगर कोई दो ऑप्शन मैच करते तो मैं 11 का मल्टीपल भी देख सकता था, और 15% की अगर कमी है तो इसके अंदर मतलब होता है 100 में से 15 गया 85, यानी 17 का मल्टीपल भी देख सकता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए कि आप पूरा कैलकुलेट ना करें और वैसे ही आंसर निकालें, ठीक है? देखते हैं और क्वेश्चन है कोई। चलिए, और क्वेश्चन तो कोई नहीं है, ठीक है? लास्ट में ये जरूर है कि भाई अर्थमेटिक के क्लास नोट्स और एडवांस मैथ की बुक आपकी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है? तो कंप्लीट पैकेज, जैसे कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ, और आप में से इतने सारे बच्चों ने ये बुक ले लिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरा हूँगा, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है इन किताबों को बनाने की, और मेरा मानना ऐसा है कि जो कैलकुलेशन स्किल की लगातार मैं बात करता जा रहा हूँ, जो थिंकिंग एबिलिटी की मैं लगातार बात करता जा रहा हूँ, वो आपको इसे पढ़ने से डेफिनेट मिली होगी। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें नहीं है कि आपको कॉपी पेस्ट आपको मिल गया या पुराने ईयर का सीधा सीधा मिल गया। आप जब पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये बात बोलेंगे कि कुछ अलग हमने सीखा, ठीक है? तो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हम इतना ही करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ परसेंटेज के अंदर आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी हमारे से, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको इंस्पेक्टर 40 के सेशन में सिखाई हैं। अब मैं बार बार बोलता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बड़ी चीज़ें देखिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, छोटी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार कैलकुलेशन हर चैप्टर में इन्वॉल्व है। जब तक कैलकुलेशन पे कमांड नहीं है, चीज़ें दिक्कत करेंगे ही करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।